एक कहावत है, ये मैंने लखनऊ कानपुर में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पे सुनी थी, एक जगह लिखा हुआ था, बड़ा सुंदर है। राम नाम की लूट है, चाहे लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। समझ में, अर्थ तो बड़ा स्पष्ट है कि राम नाम की लूट है। लूट क्यों है? अब कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि आप इस समय जाप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, अमेरिका में नहीं कर सकते या वृंदावन में ही कर सकते हो, जितना लूट सके लूट लें। और ऐसी संपत्ति है जिसको कोई दूसरा व्यक्ति आपसे छीन भी नहीं सकता है, और ईमानदारी की कमाई है, इसे कहना चाहिए, है कि नहीं? और आप जानते हैं कि एक नाम, अगर कोई कहता है कृष्ण का एक नाम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के समान है, तो उसकी पिटाई यमराज जी करते हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी पुण्य कमा रहा है व्यक्ति अगर भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है। वो एक्चुअली समझ नहीं सकता है, हमारे हमारे कंसेप्शन के बाहर है। तो आप चाहो तो लूट सकते हो, और नहीं तो वस्तुतः आप देखेंगे हमारा मन, माया स्पेशली मन के द्वारा माया हमको बोलती रहती है, अरे 16 माला तो कर लिया, और करने की क्या जरूरत है, छोड़ो अब और बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर लो। और उन महत्वपूर्ण कार्यों को जरा तुलना कीजिए कि जब अंतकाल आएगा तो उस अंतकाल में उन महत्वपूर्ण कार्यों का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। भारत में तो स्पेशली, अमेरिका में तो हमने सुना है कि सब पैक करके, जब आदमी मर जाता है शव को पैक कर देते हैं, लोग देख ही ना पाएँ कि क्या मृत्यु हुई, सब छुपा देते हैं, कवर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी भारत में बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो किसको बोल रहे हैं? मुर्दे को बोल रहे हैं भाई तुम बोलो हरि राम बोलो। और मैं कभी कभी बोलता हूँ कि मान लो मुर्दा खड़ा हो जाए और कहे देखो जब मैं जिंदा था तब तो आपने को बोला नहीं कि राम नाम सत्य है, और अब आप बोल रहे हो, तो लोग घबरा जाएंगे कि नहीं घबरा जाएंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक हमारे शरीर में शक्ति है जितना हो सके जीव को थका देना चाहिए भगवान का नाम उच्चारण करने में। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं इस बात को कि जीव को थकाना चाहिए नाम बोलने में, ये नहीं क्योंकि एक बार प्राण छूट जाएगा तो फिर एटलीस्ट इस शरीर से हम भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? और एक ही नाम अगर निरपराधिक रूप से लिया जाए तो वह जीव को भगवान के पास ले जाने में सर्वसमर्थ है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, कभी मनन किया कि जिसके ऊपर भगवान ने अपनी सारी शक्ति उस पर लगा के रखी हुई है। तो ये हमारे पास लूट है। इसी पे एक और भक्त बोलते हैं, जब तक तन में ताप न व्यापें तब तक कर हरि सेवा। जब तक हमारे शरीर में ताप व्याप्त नहीं हो रहा है, बीमारियों से ग्रसित नहीं हो जा रहा है, तब तक व्यक्ति को भगवान का भजन कर लेना चाहिए। और इसी को भक्ति में ठाकुर जी अपनी जीभ को बोलते हैं, जीभ को शिक्षा दे रहे कि हे मेरी जीभ, जब तुमको हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, अग्नि तुम्हारे मुख में प्रवेश करेगी, तब तुम नाम नहीं बोल पाओगे। तो जब तक हमारे पास सामर्थ्य है भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, और इस लूट को लूटते रहना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो सब छीन ले जाएंगी। एक और इंटरेस्टिंग बात है, मान लो इस समय हम लोग मर रहे हों, अरे क्या बातें कर रहे हैं आप, हाँ जी, मान लो इस समय आप मर रहे हो तो आपका बैंक अकाउंट तो यहीं रह जाएगा, हम सभी का, जिसका भी 2-4-5 रुपये हैं। लेकिन क्या जो हमने नाम जप किया है उसको मृत्यु छीन सकती है? तो इस लूट को नहीं छीन सकती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ठीक है, सभी से निवेदन है कि लूटते रहें भगवान का नाम, प्रतिदिन नियम बनाकर कम से कम 28,000 नाम तो लूटना ही चाहिए, 16 माला, और अधिक हो जाए तो और भी अच्छी बात। हरे कृष्णा, सभी लुटेरों को शुभकामनाएं, आपकी लूट चलती रही इसी प्रकार से, और एक दिन आप कृष्ण के पास पहुंच जाएं। हरे कृष्णा।